हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष को पाएं, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारे का टॉपिक है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, पूरी बाइबल में बताया गया कि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखो, भरोसा और विश्वास रखो, भरोसा और विश्वास रखो। लेकिन आज कुछ हम वचन पढ़ेंगे कि कुछ बातों को लेकर हम चिंता करते हैं कि अब हम हमारे घर का राशन कैसे चलेगा, हमारा कैसे होगा। मतलब ये ऐसी बातें आज हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से कि हमें क्या करना है जब हमें प्रभु के पीछे चलना है, जब हमने प्रभु की संगति में चलना है, जब हमने पूर्ण विश्वास में चलना है, जब हम बढ़ोतरी करते होंगे, जब हम आशीष पा रहे होंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में होती है। लेकिन वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। परमेश्वर वचन कहता है कि कौवों पर ध्यान दो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। क्या आपको लगता है कि एक पक्षी उड़ रहा है और आप एक इंसान हो, आपका उससे मूल्य कम है? नहीं। वचन कहता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से अधिक नहीं, कहीं अधिक है। लुका 12:22, तुम्हारा मूल्य कहीं अधिक है, अधिक नहीं, कहीं अधिक है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर ही आशीष देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर ही ब्लेस करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है। हम चिंता कर लेते हैं कपड़े क्या पहनेंगे। कपड़े पहनने का मतलब, जब हम प्रभु में चलते हैं बहुत सी विपत्तियां हमारे जीवन में आती है और विपत्ताओं को देखकर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है कि मैं अगर पक्षियों को खिलाना जानता हूं तो तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से कहीं अधिक है। इसलिए चिंता करके यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, वचन कहता कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम चिंता करते हैं हर एक बात की, हर एक बात की चिंता। विरोध होने लगे तो चिंता करने लग गए, चर्च में क्लिश नहीं तो चिंता करने लग गए, कुछ लोगों को तो भेंट जब कम हो जाती वो तो अब चिंता करने लग जाते हैं, कुछ लोगों जब विरोध बढ़ जाता था वो चिंता करने लग जाते हैं, कुछ लोगों का घर बार नहीं चलता वो चिंता करने लग जाते हैं। बहुत सी बातें, चिंता 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 चिंता। वचन कहता है इसलिए तुम यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो अब और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया, चिंता करके कोई भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता। इस बात का ध्यान रखें, चिंता करके कोई भी आयु नहीं बढ़ा सकता बल्कि अपनी आयु को कम करता है। आप देख लेना जो डिप्रेशन में होगा उसकी हालत देखना कैसी होगी, जो चिंताओं में होगा उसकी हालत देखना कैसी, उसके हालात कैसे होंगे। मतलब वहां पर बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े रहेंगे, कोई काम करने का मन नहीं करता, उठ लिया तो धो लिया बर्तन, ये नहीं भी चलो 11 बजे बर्तन धोते हैं, आज 11 बजे बर्तन धोएंगे। चिंता में पड़े हुए हैं, बाल खिल रहे हुए हैं, तेल लगा हुआ है सिरों के ऊपर, कई बार कुछ ऐसे हो तो चिंताओं में पड़े रहते हैं, ऐसी कितने टाइम तक चिंता में रहते हैं, ना खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं करते, एक रोटी खा ली पाई, कहाँ पहले 4 रोटी खाते थे, अब आधी रोटी में पेट फुल हो जाता है, 1.5 रोटी में पेट फुल हो जाता है, खा नहीं पाते क्योंकि चिंता है। पहले आंखें इतनी अच्छी होती है, बाद में आंखों में खड्डे तक डल जाते हैं चिंता कर करके,
चिंता 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 चिंता, पहले हेल्थी होते हैं, बाद में चिंता कर करके बिल्कुल सूख जाते हैं। कोई कह नहीं सकता कि ये पहले वाला इंसान है, ये पहले वाली औरत है, ये पहले वाला पुरुष है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनके अंदर चिंता चली गई। इसलिए वचन, जब आप पैदा नहीं हुए थे, वचन का कह रहा है आपके लिए कि चिंता करके आप अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और भी इसमें इंटरेस्टिंग बातें, और भी इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वचन कहता है सोसने के पेड़ों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। मतलब परमेश्वर ने सुलेमान को भी आगे बढ़ाया था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुझे क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पियेंगे, और न संदेह करो। ये बहुत जरूरी बातें हैं। हम चलो इन बातों पे ज्यादा नहीं बताते, हम कहते हैं आशीष लो, ब्लेसिंग लो, लेकिन वचन क्या कह रहे हैं, बहुत से लोग जो संदेह करते हैं, ज्यादातर चर्चों में ये बताया जाता है संदेह संदेह, स्वर्ग का राज्य आ गया, परमेश्वर आने वाला है, ऐसा ऐसा बहुत सी बातें। इसलिए वचन कहता है कि संदेह न करें, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। इसमें दो बातें हैं, मुझे एक बात याद आ गई एक भाई की, फिर से शायद वो सुन रहा होगा। मैं कहीं था, वो मैंने उसके घर को देखा, मुझे थोड़ा लगा, मैंने उनको बोला कि आप एक लिस्ट बनाएं परमेश्वर के लिए कि प्रभु जी मुझे ये आशें चाहिए। तो परमेश्वर आपको देगा। मैंने उसको समझाया बाइबल में से, पवित्र वचन में से। उसने मुझे भी बाइबल में से ही बताया कि वचन कह रहा है परमेश्वर के राज्य की खोज में रहो तो ये तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बोला अच्छी बात है कि आप परमेश्वर राज्य की खोज करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। मान लो आज मैं हूं, मैंने आज क्या किया, मैंने मेरा गेट बंद करके बैठ गया अंदर, और मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान मेरा कभी उधर जा रहा है, मेरा उधर जा रहा है, प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, इनमें प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ध्यान मेरा बाहर चला गया, बकरी बोल रही है, ध्यान मेरा बाहर चला गया, बाहर बाइक चल रही है, मैं बैठा हूँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने से, और मैं कराऊंगी प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। काम आ रहे हैं बाहर से, अच्छा काम आ रहा है कि सर एक अच्छा काम है आपके लिए, और नहीं नहीं परमेश्वर मुझे अपने आप देगा, आप मुझे काम नहीं करना, आप जाओ। फिर अच्छा 50,000 1,00,000 का काम आया। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा काम, परमेश्वर मुझे अपने आप देगा। अरे परमेश्वर तो भेज रहा है, आप अंदर प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर बाहर से आशीष भेज रहा है और आप ले नहीं रहे। नहीं मैं नहीं करूंगा। तो ये भी बातें हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत है, ज्ञान लोगों में इतना है, आज ज्यादा ज्ञान है। इसलिए वचन क्या कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा इसराइलियों को छुड़ाने के लिए, जा मेरे बेटे मेरे लोगों को छुड़ा के ले गया एक लाठी के द्वारा। कोई उसको ये नहीं बोला कि तेरे को मैं एक ताकत देता हूं, ऐसा नहीं कुछ भी, या उसमें कोई आग डाल दी हो मूसा के अंदर और मूसा ऐसे फूक मारता था तो गाड़ी उड़ जाती थी सुपरमैन की तरह, ऐसा सी नहीं था, एक लाठी मामूली लाठी। परमेश्वर ने उसी को ब्लेस किया, और जब वो फंस गए आगे लाल समुंदर पीछे से ना, जो फंस गए वहां पर क्या काम आया, वहां पर जो प्रभु की धन्यवाद धन्यवाद करते थे वो बुड़बुड़ाने लग गए थे। मूसा कहता प्रभु जी आपका वचन कहता है कि उसकी खोज में रहो तो आप हमें बचा लोगे, प्रभु जी हम आपकी खोज में हैं। वहां पर भी क्या है, परमेश्वर ने कार्य करवाया, परमेश्वर ने कहा यहां पर कदम बढ़ा, उसने जैसी लाठी लगाई तो समुंदर दो फाड़ा हो गया। ये मैं कह रहा हूं आपसे कि कार्य करना पड़ता है, ये नहीं कि मैं बैठ गया हूं और मैं को कार्य नहीं कर रहा, नहीं,
कार्य करना पड़ता है, उसकी खोज में रहो, प्रभु की खोज में, अच्छी बात है, प्रभु की खोज में रहो, वचन की खोज में रहो, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी समझना है हमने। हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर पर भरोसा है तो परमेश्वर हमें बहुतायत से ब्लेस करेगा। भरोसा तो मूसा का भी था, लेकिन परमेश्वर ने कार्य के द्वारा उसे ब्लेस किया। शद्रक अमेशक अब्दनगो जब उनको आग में डाल रहे थे तो कौन सा जल गए, लेकिन वो बीच का जो रास्ता है वो परमेश्वर ने दिखाना था लोगों के सामने, ताकि जितने भी लोग थे वो झुके परमेश्वर का, उनको पता लगे अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने ऐसा करवाया था। हालेलुया। सुनता परमेश्वर ने पहले ली थी उनकी अपनी महिमा के लिए, दानियल के लिए, इसलिए अपनी महिमा के लिए वो शेरों की मांदों में फेंका गया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए भरोसा परमेश्वर पर रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग चिंता करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी चिंताएं जाए, और जो संदेह करते हैं उनके अंदर से संदेह निकले, और जो पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर दया करें, इनके कृपा करें मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अमहान है मेरे पिता, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबसा लख रबा नाम राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो, 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 अद्भुत कार्य हो मेरे पिता। और रबसा लख रबा नामा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आमहान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर अपनी कृपा करें, इन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु आमहान है मेरे पिता, ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, इनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहे मेरे पिता, जो आप पर भरोसा रखते हैं मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता, इन्हें बहुत ऐसा आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपकी प्रार्थना बढ़ते रहें, आपकी आराधना बढ़ते रहें, आपके वचन बढ़ते रहें, आपके गहरे गहरे भेदों में बढ़ते रहें मेरे पिता, इनका जीवन मधुबत कार्य होते रहें मेरे पिता, ये आशीष को पाए मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।